तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्तियुक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। दसवें महीने में उससे कन्यारत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रम की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और पने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दो राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभो, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया।
लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।